खाना दे दीजिए। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मम्मी मंगाएंगी सामान, तो अभी मम्मी सामान मंगाएंगी, फोन करके मंगा बोल देती हैं और सामान आ जाता है। तो मम्मी ने बोला कुछ तुमको भी चाहिए तो लिख दो, मैंने लिख दिया है। अभी कब मंगाएंगे, अभी बोल दीजिए, दोपहर में ला देंगे। बोलना ये बोल दीजिएगा कि इस टाइम पे ला कर दे दीजिएगा। यहाँ पे इनका बात हो रहा है फ्रेंड से, डेली बात करती हैं दो दो घंटे। मम्मी से हम बोले कि मम्मी सबको बुलाएंगे ट्यूशन देंगे करा चौथ का। हाँ उनको बुला लीजिएगा, फिर सब लोग साथ में किया जाएगा। नहीं लाइन से माइके में पल्ला करा चौथ करते हैं ना शायद से। कैसा बना है आपका, एडिट करके दिए अच्छे से, अभी बंद करी नहीं मैं, कॉपीराइट हो जाएगा। बोलिए। अरे मैं बोली ऑनलाइन ना वो सीख लो फोटोशॉप, अच्छा रहेगा, तुम अपने हिसाब से अपना फेस का डिजाइन। कहाँ यहाँ पे सीख, यहाँ पे कहाँ पे सीखना होगा, ऑनलाइन? अच्छा ऑनलाइन सीखूँ। हाँ ऑनलाइन सीख लो। जो यहाँ पे परवेज वाला था ना, वो एक फोटो बना रहा था, उसने लड़की का आंख बंद था, दूसरे फोटो से गाड़ी का आंख लगा दिया, आंख लगा दिया किसी और का, एकदम मतलब एकदम रियल लग रहा था उसी लड़की का कट करके पेस्ट कर, मतलब उसका दूसरे फोटो का आंख उसमें लगा दिया, एकदम सही लग रहा था, तुम बढ़िया लग रहा था। तो तुम भी सीख लो, सही रहेगा एडिटिंग के लिए तुम्हारे। एक काम करो दौड़ के जाके मेरा चार्जर लेकर आओ। यार दीदी आप जब होता है इधर से उस रूम से उधर चार्जर मंगाती, उधर से इधर चार्जर मंगाती, एक काम करिए आप दो चार्जर रखिए, किस रूम में एक उस रूम में। ये दिखाओ, ये क्या दिखाएं अभी, हम क्या करें अभी, और बैटरी रनिंग लो, लाओ लाओ। अरे यार ये बहुत काम करवाती है, मेरे साथ चार्जर 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 दो चार्जर रखे। ठीक है जाओ एक क्लिक कराओ, मेहनत लगता है भाई जाने जाने में। ला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे तुमको जल्दी से फोटोशॉप आ जाए और ताकि मेरा फोटो बढ़िया बढ़िया बना के दो मुझे। और मैं तो आपके फोटो के लिए सीखे। चलो ठीक है। अरे यार किसी के लिए तो सीखोगी ना, अगर स्टार्टिंग मेरे से होता है, सुबह सुबह होता है तो क्या है। सो गाइस अभी यार पता है तुम्हें, इसका फ्लैश लाइट ऑन करके मेरा आवाज एकदम से काला काला दिखने लगता है ना। मेरे से तो एकदम बर्दाश्त नहीं होता फ्लैश लाइट, ये लोग के ऊपर जला भी देते हैं तो ज्यादा ये लोग नहीं बोलती, बट मेरे को ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फ्लैश जलता, तो ऐसा लगता है बंद होने के बाद। हम बता रहे हैं, कौन पूछ रहा है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा। मेरे को कोई पूछ नहीं रहा बट हम फिर भी बता रहे हैं। नो वन इंटरेस्टेड, सब इंटरेस्टेड है। तो हम क्या बोल रहे थे यार, अभी इतना नहाना है मेरे को ना, सबसे जिंदगी का सबसे बोरिंग काम यही लगता है, मुझे गुस्सा आता है, बिल्कुल मन नहीं करता। अरे यार ऐसा होता है कि एक एक महीना नहाना ना हो। साउथ अफ्रीका में पता नहीं कौन सा एक मिट्टी लगाते हैं वो लोग, रेड वाला ना, तो हाँ रेड वाला मिट्टी लगा रहे थे, पता नहीं कैसे मिट्टी में सो जाते हैं। हाँ और वहाँ पे नया नया शादी भी जिसका हुआ था ना, 5 महीना मिट्टी में लगो, लड़की सोती है, सिर्फ सोती रहती है, सिर्फ खाने के लिए पीने के लिए और जो पर्सनल काम है वो करने के लिए उठती है, बाकी दिन भर सोई रहती है। कैसे सो जाते थे वो वीडियो देखते थे, वो भी मिट्टी में, वो भी 5 महीने, कोई कैसे सो सकते हैं। यूट्यूब पे एक वीडियोज़ में देखे हम लोग, वो मतलब अफ्रीका वगैरह हर जगह जाते हैं, तो वहाँ का वीडियो डाला हुआ था तो देखा मैंने, मिट्टी में 5 महीने जो न्यू मैरिड गर्ल होती हैं वो लोग सोती हैं उसमें। ये भगवान, यहाँ पे 2 घंटा कंटिन्यू बैठ जाओ तो बोल मतलब ऐसा लगता है कि बाप रे, वहाँ का रिचुअल्स होते हैं ना वैसे। हाँ तो फिर वो आदत हो जाता होगा, बट उनके लिए तो डिफिकल्ट होता होगा ना फर्स्ट टाइम ऐसा करने पे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे घर का कुछ रिचुअल्स रहेगा यहाँ का, और तुम कर रही हो, तुमको पता है कि फ्यूचर में ये चीज़ होगा, करती ही हो ना। हाँ, जैसे बहुत सारी कंट्री होती है जहाँ पे फास्ट नहीं रखते हैं, वो लोग ये सोचते हैं यार पूरा टाइम कैसे बिना खाए रह लेते हैं, बट तुम कर लेती हो ना। बस ये सब सही नहीं है चीज़ें, कोई नहीं अभी हम जाते हैं, मम्मी फ़ोन चला रही हैं मम्मी का, और क्या ऐसे हम फेमस हो जाएंगे। यस चले हम तो हो जाए यार, इतने दिन से वीडियो डाले कुछ हो ही नहीं रहा है, चला रही है। ये मैंने कहा रेड रेड नेल पेंट भी लगाई थी करवा चौथ पे, मेरा करवा चौथ था कल, रेड कपड़ा भी पहनी थी, रेड नेल पेंट भी सुबह ही लगा ली, सोकर उठने के बाद ना ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे को मैंने नेल पेंट लगा ली, अच्छा लग रहा है ना। करवा चौथ था तुम किसके लिए व्रत रखे थे, पहले चौथ को लेकर आता मैं करवा करूँगी। चौथ किसको बोलते हैं, हस्बैंड को। तो क्या हुआ, मैं कपड़ा भी पहने थे रेड रेड नेल पेंट भी लगा दी, क्या फायदा, ऐसे मेरा मन किया, मेरे पास कपड़े भी थे, मेरे पास नेल पेंट भी था, लगा लिया मैंने। और बात है मैं रेड कलर का रबड़ भी लगाई थी, एक सेकेंड में दिखाती, ये देखो रेड रबड़,
नहीं दीदी अब बिग बॉस के टाइम पे नहीं, जब भी बिग बॉस देखते आपको मैच देखना रहता है? नहीं देंगे, जाइए बस मुंह ही बना देती है दो यार। नहीं दीदी बिग बॉस देखना दीजिए, इतना देंगे यार दीदी। नहीं यार मैं जानती हूँ अच्छा नहीं लगता यार, आप लैपटॉप में देखे अपना जाइए। क्या दे दे, जब भी मैच देख बिग बॉस देखना आपको मैच देखना होता है, पता नहीं क्यों इतना पसंद आता है। देश के करोड़ों घरों में कितने टाइम तक देखेंगे? नहीं आप 10 मिनट देख कर दीजिए, हमको बिग बॉस देखना है। फाइनली मैंने रिमोट ले लिया और अभी देख रही हूँ बिग बॉस। अभी ना अभी 2-3 एपिसोड से जब ईशा का मुझे बहुत पसंद आ रहा है देखने में। मेरा सामान आया है कि नहीं पहले बताइए? गरी इतना सारा सामान आया है। राजमा कौन सा वाला है? छोड़ो यार रखो पहले सामान। राजमा देखिए कौन सा वाला है, ये छोटा वाला है दिखाइए। अरे देखने तो दीजिए, क्या नहीं मिला पाएंगे? किशमिश कौन सा राजमा है जी? चलो मूंगफली चना कड़ा सब कुछ है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सॉरी क्या बोल रही है मुझे कुछ नहीं पता। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी ना मैं थोड़ा सा सोची थी सोऊंगी बट मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा जबरदस्ती नहीं सोऊंगी। और अभी सामान आया था और 2-4 सामान मुझे भी मंगाना था जो कि वो भी आ गया। और अभी मम्मी बात कर रही है भैया से, ठंडी आ गई तो ठंडी लग रही है। और ना पता है ठंडी के टाइम में मुझे ना ज़्यादा इधर उधर चलने का मन नहीं करता, मैं बिस्तर में ज़्यादा रहती हूँ, बिस्तर में नहीं रहती मतलब कि मुझे ठंडी लगती बोले तो मुझे अपना नेल पेंट बहुत अच्छा लग रहा है, थुक न जाना लगे रेड। और मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा छत पे जाऊँगी, थोड़ा सा नेचुरल हवा जो होता है उसको भी लूँगी, वो भी बहुत ज़रूरी है तो लेंगे। बाकी यार सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है ना यार कि आप लोग वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। यार सब्सक्राइब कर लिया करो, कौन सा पैसा लगता है, फ्री में तो होता है। तो मुझे ना आज थोड़ा अपना कैमरा जो क्वालिटी है ना क्लियर लग रहा है, वरना मतलब आज लग रहा है, आज से ही लग रहा है, बाकी उससे पहले बहुत ब्लर और ऐसा धुलधुला सा लग रहा था। आज मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है आज। हमेशा का है अपना लैपटॉप खोलकर चले जाते हैं, ऐसे ही ऑन रहता है, अगर गलती से कोई आ गया या फिर बहुत बार ऐसा हुआ ना कि अपना लैपटॉप ऐसे ही ऑफ करके ऐसे रख देते कहीं भी, बस बैठने से बच जाते हैं, अंधेरे में आते हैं, अगर कोई बैठ गया तो चलो सत्यानाश हो जाएगा अपना। खोल बनाया है आलू का पराठा और चटनी है। तो अब ये तो खाना पापा का है, अभी मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए क्योंकि भूख लगा है बहुत तेज़ से और मुझे भी कुछ एकदम अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, तो अच्छा वो क्या आलू का पराठा बना है तो मैं भी जा रही हूँ खाना दे दीजिए। व्रत है ना, व्रत तो काम नहीं करेंगे? किए तो क्या किए, मेरा क्या काम किए हैं? हम आपका चार्जर लेकर आए हैं, आपको रिमोट दिए हैं और क्या दिए हैं, इतना सब काम खुद कर ले रहे थे। खाना दे दीजिए यार, खाना दे दीजिए यार, मन नहीं कर रहा लाने का। इतना अल्लाह करके जाओगे ना बदला जाएगा। पापा खाना नहीं दे रहे हैं जो पर्स को खो के खाना दे। अरे आपको नहीं बोल रहे हैं, दीदी को बोल रहे हैं। पापा इतना अल्लाह करके जाओगे? पापा इनको बोल, इनको पता नहीं क्यों बस रहे पापा, इनको बोले खाना देने के लिए। इतना अल्लाह करके जाओ यार, चिको बोल दो खाना दे दे चिको, दे दे दीजिए यार दीदी। पापा यहाँ पे पलटा गया होगा ये, पापा बोल दीजिए खाना दे दे, बोले हमको खाना निकाल कर दे दे, खाना दे दे नहीं। पापा हम व्रत ही ना। पापा एक बार और बोलिए, ये चिको खाना नहीं दे रही है, चिको खाना दे दो तुम अपने हाथ से चिकू। यार भूखे को खाना खिलाना चाहिए, भूख भूख नहीं करना चाहिए। मर गई, मर गई चिकू, मर गई। यार चिकू खाना दे दो, खाना नहीं दे रहा यार। आप लोग उसमें आप लोग यहाँ का कोई खाना दे दो यार, मेरे को मन नहीं कर रहा अपने से खाना लेने का। आज मेरा ना कुछ भी करने का मन कर रहा है, तो बनाने का भी मन नहीं किया, फिर भी ना आई हूँ, लेकिन खाना नहीं लेने का मन कर रहा है। ठंडी में मेरा काम करने का मन नहीं करता यार जल्दी, बट फिर भी आज मैं भैया का किसके सामने रो रही हूँ, कौन मुझे भैया का मैंने सब्जी बना, मतलब भैया का मैंने डिनर भी बनाया, फिर बर्तन भी थोड़ा बहुत धुला और एहसान कर दी। हाँ तो दो काम किए हैं और बताते हैं रुको और क्या किए हैं। कोई इंटरेस्टेड नहीं है? बहुत लोग इंटरेस्टेड जाने में, जो जो मेरी बात को सुनने में इंटरेस्टेड है वो मुझे कमेंट करके बताना जरूर। आप मत कर दीजिएगा फेक आई डी से 2-4 कमेंट, बहुत बेकार है सच में। सच में बहन लोग ना, याद है आपके एक बार क्या बोले बनी डायन, सच में बहन लोग ना छोड़ो समझ जाओ, जिसको जिसको अपने बहन पे गुस्सा आता है ना समझ लो बहन क्या है। काम नहीं करती यार, इनका एक काम करती है, मेरा काम नहीं करती है जल्दी से। खाना मांग रहे, खाना खाने भूखे को खाना नहीं दे सकती यार। ये बताओ अगर हम नहीं गए होते पापा खाना देने तो तुम ही ना जाती, हम तो व्रत का नाम लेके। तो आप पापा को दी तो मेरे लिए क्यों नहीं लाई है? बदला हाँ
बुलावा आ गया हमको, जाते हैं मिलते हैं, खुद ही लाना पड़ेगा, खुद से ला ली। कब से बोल रहे हैं आपको लेकर आइए लेकर आइए, लेकिन लेकर आई नहीं रही तो खुद से लाना पड़ा, भूख लगा है और भी पता है 11 बजने वाला है। और इतना ढेर सारा खाना, ये देखिए आधा ये आधा ये लिए, आधा आधा लिए, कम क्यों लाई? अच्छा चाची बना रही ना, तुमको पता है आपको गर्म गर्म पूरी पसंद है, बिल्कुल भी ठंडा होता है ना, मैं पूरी खाती नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम जैसे तवा पे उतरता है ना वैसा पूरी पसंद, डायरेक्ट तवा देखो इनका इनका बड़ा होता है और हम लोग पूरी खा रहे हैं, इनको ललचाते हैं ये खा कर, ये पूरी तवा पर से उतरता तो मुंह में डाल लिया करो, हमको अच्छा लगता है गर्म गर्म, एकदम थोड़ा ठंडा हो गया फिर भी थोड़ा सा लेकर आएंगे, भूख लगा तो इसलिए नहीं लेकर आए ना, हम ये मांगेंगे तो हम भी ले लाएंगे आपको, जब एक दिन आएगा तब मत देना, ये मेरे लिए अक्सर मांगती रहती है खाना निकाल दो, मैं नहीं निकालूंगी पक्का, रात में बनाती तो यही बोलती जो मेरे लिए लेकर आओ, मैं नहीं लेकर आऊंगी, बदला लूंगी जल्दी, ठीक है चलो बाय। मोटक दीदी कैसा लगा भूकंप के झटके, मजा आया? तुम लोग को तो पता ही नहीं, हाँ यार हम लोग को तो पता भी नहीं चला कि भूकंप आया, मतलब कि बहुत जो हल्का होता है ना उसको सब कुछ पता चल जाता है, यहाँ भी भूकंप आया था हमारे, मतलब हमारे क्या बहुत जगह आया, दिल्ली नेपाल बहुत जगह आया है, हम लोग को मुझे फील नहीं हुआ, और घर में कुछ लोगों को नहीं हुआ, कुछ लोगों को फील हुआ, मेरी फ्रेंड को, हाँ मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया कि यार भूकंप आया था, तब जाकर पता चला, ऐसे करके पता वो दुकान का जो शटर नहीं है ऐसे ऐसे करके हिल रहा था, फिर वो पता दरवाजा नहीं है वो भी हिल रहा था, मतलब सब हिल रहा है, मेरा आप दिमाग ही हिल रहा है। हाँ आया था भूकंप पूरा, वहाँ पे लोग बाहर निकल गए एकदम, यार बड़ा डर लगता है यार भूकंप भूकंप से, हमको भूकंप आता है ना तुमको सबसे बड़ा पहले नए वाले घर का याद आता है, नए वाले घर का याद आता है भूकंप आता है तो, पता नहीं क्यों, कितना है 6, हम लोग के इधर साइड कितना आया था, भगवान करे कभी आए भी ना यार, एक बार पता मतलब 5-6 साल पहले 6-7-8 साल पहले बाथरूम में हम नहा रहे थे तभी भूकंप आ गया था, और ये यार सबसे भयंकर दीदी हॉस्टल में जब से हमें बहुत खतरनाक आया था, और सबसे पहले हमको याद है जहाँ तक घर पे थे लास्ट टाइम तो आया था भूकंप, बहुत डरे थे छोटे थे, तो भी न्यूज़ भी देख रहे हैं हम लोग बहुत जगह, बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से आया है, उत्तर प्रदेश के कई इलाके भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, दिल्ली NCR में, तो ये इलाका बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, फिलहाल कॉल करिए, लखनऊ में भी आया कॉल करिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, स्पीकर पे करिएगा कॉल, इन भूकंप के झटकों के बाद पहले वो सुन लीजिए, गाइस भूकंप आया था और हम लोग को तो फील भी नहीं हुआ, दीदी को पता चला है, और क्योंकि वो शॉप पे बैठी थी अकेले थी, एकदम सन्नाटा था इसलिए पता चला, और मैं मम्मी चाचा बात कर रहे थे इसलिए हमको पता भी नहीं चला, अच्छा वो नहीं तो मतलब रात भर वही माइंड में चलता है यार, पैर वैर ऐसे कांपता रहता है, डर लगता है बहुत देर, फिलहाल न्यूज़ वगैरह देख रहे थे, और अभी मम्मी भैया को कॉल कर रही हूँ, वो लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ में भूकंप आया था, तो अभी वो कॉल उनका बिजी आ रहा है, तो अभी थैंक यू। लखनऊ में भी आया है, आया नहीं पता नहीं चला आपको, क्या नहीं आया आपको फील नहीं होगा, जैसे हम लोग को यहाँ पे फील नहीं हुआ, हाँ हल्का था, पता नहीं चला, दीदी को पता चला है, अकेले का दीदी को पता चला है, आपको बताना वीडियो कैसा लगा और वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट से सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो फॉलो करना, आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी को उसे भी फॉलो करना, बाय बाय।